हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कंडीशन है व्हेन द न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल का पार्ट टू, यानी कि जब नया पार्टनर जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश लाने में असमर्थ होता है तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 के लिए समझाया था, आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 38। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, सी पेज कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000 बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ए और बी एक बिजनेस के पार्टनर है जो कि 3:2 में प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं, सी को नया पार्टनर बनाया, उसको शेयर का 1/5 शेयर दिया गया प्रॉफिट का, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि सी को किस तरीके से ये 1/5 शेयर दिया जा रहा है। तो ऐसे में ध्यान में रखिएगा, जब कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंडीशन नहीं दिया हुआ, ऐसे में क्योंकि आप सबको पता है गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिए होने पर ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। सी जो है अपने कैपिटल के रूप के लिए 40,000 रुपीज लेके आ रहा है और टोटल फर्म का जो कैपिटल गुडविल है वो 25,000 किया जा रहा है, सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लाने में कैश में नहीं ला पा रहा है। तो ऐसे में जनरल एंट्री करनी है हमको केवल, तो जनरल एंट्री करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम है जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे हम, दिस इज अमाउंट एलएफ डेट एंड पार्टिकुलर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये दिया हुआ है 3:2 और दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म ये दिया हुआ है टोटल 25,000 और शेयर ऑफ सी का शेयर है 1/5, तो सी का शेयर है 1/5, तो सी का गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो शेयर ऑफ गुडविल सी का कितना आ जा रहा है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 यानी कि 5,000 रुपए, और ये 5,000 रुपए जो है कैश में नहीं ला रहा है। मैंने पहले वीडियो में बताया था जब कोई पार्टनर कैश नहीं लाता है देन वहां पर उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है, करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब यहां पर क्योंकि वो कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है तो सबसे पहली जो जनरल एंट्री होनी है वो कैपिटल अकाउंट की होगी, तो यानी कि पहले जो एंट्री करेंगे तो कैपिटल अकाउंट लाने की एंट्री करेंगे वो है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आता है बैंक में आता है और ये अमाउंट लेके आ रहा है वो 40,000, टू सारा पैसा हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो सीज कैपिटल अकाउंट 40,000, इसका नेशन लिखा जाएगा विंग वैल्यू ऑफ कैपिटल प्राउड बाय सी। अब इसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे क्योंकि गुडविल जो है उसका जो कैलकुलेट हुआ है 5,000 रुपीज उसका जो कैपिटल गुडविल अमाउंट गुडविल है वो कैश नहीं लेके आ रहा है, जब कैश नहीं लेके आ रहा है तो हम जो है सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री करेंगे दूसरी वाली सी इज करंट अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 5,000 टू ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स है यानी कि ए इस कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे और बी इस कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे।
अब आता है किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब कोई कंडीशन नहीं दिया होता है देन जब ओल्ड रेशियो होता है, यानी कि उन दोनों का ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, यानी 3:2 जो है इस रेशियो में 5000 बांटेंगे, तो 5000 को 3 और 2 में बांटेंगे, यानी कि 3 और 2 5 और 5000 दे रखा है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 3000 रुपीज और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2000 रुपीज। नैरेशन लिखेंगे हम जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड फॉर गुडविल एंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये इस तरह से आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाता है।